तो दोस्तों फाइनल इंडिया में फ्री फायर बैन हो गया क्योंकि 54 चाइनीज ऐप में फ्री फायर भी शामिल है और अभी प्ले स्टोर और एप स्टोर से भी रिमूव कर दिए गए। और इसी फ्री फायर से जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट जिन्हें लोग शायद पहले कभी नहीं सुने थे। तो यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस तरह के अमेजिंग वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। फैक्ट नंबर वन, हम सभी जानते हैं कि फ्री फायर एक सिंगापुर कंपनी है लेकिन फिर भी बैन कर दिया गया। बट फ्री फायर के फाउंडर फॉरेस्ट ली एक चाइनीज सिटीजन थे, अब नहीं है क्योंकि सिंगापुर में रहते हैं और आप सिंगापुर के सिटीजन हैं। ये बात शायद ही कुछ लोग पहले ये जानते थे। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेसी के मामले में कोई समझौता नहीं किया। फैक्ट नंबर टू, जब इंडिया में पबजी को बैन किया गया था क्योंकि टेंसेंट कंपनी पबजी का शेयर 50% होल्ड करता था और आज से कई सप्ताह पहले क्रिप्टन कंपनी ने गैरेना फ्री फायर के ऊपर केस ठोक दिया, ये कहते हुए कि फ्री फायर पबजी की कॉपी गेम है। और साथ ही साथ गूगल और फेसबुक वालों को कटघरे में लिया और उसको ये कहा कि ये हमारा कॉपी गेम है और इसे लीगल तरीके से बेचा जा रहा है। लेकिन गैरेना फ्री फायर टीम वालों ने फ्री फायर को कॉपी मानने से साफ इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है साल 2019 में गूगल प्ले स्टोर से अचानक फ्री फायर रिमूव हुआ था, फिर एक दो घंटों में वापस आया। तब गैरेना फ्री फायर वालों ने ये एक ग्लिच बताया था जिसकी वजह से रिमूव हुआ था, जो आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा।